अभी मैंने आपको अपना घर दिखाया, हर्षोल्लास से हमने बच्चों ने हमने दिवाली मनाई। सबके घर में भगवान और लक्ष्मी जी हमेशा सुख समृद्धि लाए और हमेशा आप सब लोगों की बहुत अच्छी से अच्छी दिवाली है। ये बहुत हर्षोल्लास का पर्व है जिसकी हम एक वर्ष तक इंतजार करते हैं और जाने कब आती है, इंतजार करते रहते हैं और एकदम से चली जाती है। चली गई दिवाली और अगली दिवाली के लिए फिर से वेट करिए, खुशियां मनाइए, इंतजार करिए उसका। वही की दिवाली है, हमेशा दिवाली की तरह खुश रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। मैंने पहले भी बताया था इससे अच्छे फीलिंग आती है, अच्छी तैयार हो और ऐसे DIY करते रहे, कभी कैसे चेंज कर। अब दिवाली का काम वैसे हो जाएगा कि हमें सारा घर संभालना है, कुछ हमें रखना है, जो हमने अच्छी अच्छी चीजें बनाई है वो हम देखते रहेंगे, डेकोर करती है तो सबका यही रहता है। दिवाली को बहुत अच्छा अच्छा सामान बनता है, फर्नीचर, बेड शीट, कपड़े, डेकोरेशन का सामान, DIY, तो उसको देखते रहो, वो फिर अच्छी फीलिंग आती रहती है। तो इसलिए चलिए फिर मैं आपको अपना घर दिखा दिया और बेटे का घर दिखाऊंगी साथ में ही, तो आप हमारे दोनों घर देखना। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि, बहुत बहुत शुभ, गुड नाइट। और ये मेरी आप साड़ी देखिए इस तरह कैसी लगी है, ये बहुत लाइट वेट है तो ये बहुत अच्छी लगी है, बिल्कुल भी इसका पता नहीं लगा कि कैसे पहनी है। और इस तरह से मैंने ब्लाउज बनवाया है, ये इस तरह का देखिए, इस तरह का गला। आपको आइडिया देती हूँ, साड़ी में से थोड़ा सा पीस काट के इधर थोड़ा सा ब्लाउज में डिजाइन लगवाया है और इसके ऊपर यही ब्लाउज आया था। तो अभी मुझे साड़ी में पोम पोम भी लगाने थे, वो मैंने तैयार कर रखे हैं, वो नहीं लगाए। तो ये मेरी साड़ी है, तो आप बताना आपको कैसी लगी, मेरा घर कैसा लगा। और मैंने आपको मिट्टी का चूल्हा दिखा सबसे अच्छा, तो वो देखना। और एक ये फ्रेम ये वाली दिखाई मैंने आपको, ये देखो, ये जो मैंने बनाई थी बहुत साल हो गए, ये मैंने अभी फ्रेम नहीं करा, इसको मैं कराऊंगी फिर, ये बहुत अच्छी लगती है, इसको फिर मैं दिखाऊंगी। ये देखो बस इसी तरह से, ये देखो लाइट जला देती हूँ, ये देखो हर्षोल्लास के साथ हमने दिवाली मनाई, सभी ने बहुत खुशी से मनाई होगी। सुबह के टाइम हमारे यहाँ बिना खाए पिए व्रत किया जाता है, जब तक कि 12 बजे से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करने नहीं जाते। तो सुबह में फिर 10:30 बजे मंदिर में पूजा करके आई हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से घर का पूरा काम किया, फिर नए, फिर मैंने डेकोरेशन करी, आपको दिखाई। और 15-20 दिन पहले दिवाली का इतना बढ़िया माहौल बन जाता है घर में कि दिवाली आई, इतना अच्छा लगता है। और दिवाली के दिन ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी आई और चली गई, मन करता है कि बस इसी पोज में रहे, ऐसे ही दिवाली रहे, ये जाए नहीं। पर चलो, बहुत सारी खुशियां छोड़ के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा, बहुत हंसी खुशी से मनाते हैं, ये सबसे अच्छा हमारा त्योहार है। तो अगले साल की दिवाली के लिए फिर वेट करेंगे, पर ये लगता है कि दिवाली नहीं जानी चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। हमेशा दिवाली की तरह आप रंगों से भरे रखिए, खुशियों से अपना अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। और अपना हम लोगों का तो जो काम है, जिसको शौक है वो करते रहे। अभी मैं दिवाली के बाद फिर सफाई करूंगी, फिर चेंज करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और
कल फिर सुबह गोवर्धन है, कल अभी तो दूर है, फिर भाई दूज है, उसका DIY डालूंगी कुछ, या मेकओवर करूंगी, ड्राइंग रूम को चेंज करूंगी, क्योंकि दिवाली की तरह तो रख नहीं सकते। तो मैंने ये आपको पूरा दिखा दिया बाहर से, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, आउटडोर बरामदा। तो मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊंगी, तो चलिए फिर मेरा आप बेडरूम का लुक देखिए कि मैंने इसको कैसे मेकओवर किया है। तो चलिए फिर, तो चलिए मैं फिर आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है और ग्रे कलर के पर्दे लगे हैं। पहले तो आप मेरा ये इस तरह का बेड देखिए, ये कितनी खूबसूरत बेडशीट है, बिल्कुल रंग बिरंगी। थोड़े डल कलर दिवाली पर अच्छे नहीं लगते, मुझे डार्क कलर की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। और ये बेडशीट मैं परसों ही लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे थोड़ा अलग से रंग बिरंगी बिछानी थी दिवाली पर। इस तरह के फेस बने हुए हैं तकिया के ऊपर पिलो के, और ये देखो पीकॉक, और इसी तरह के थोड़ा ग्रे कलर के पर्दे हैं इसके साथ मैचिंग। और सबसे अच्छा मैंने ये देखो फ्रेम बनाया है, ये मेरे पास बहुत अच्छी एक मेरी साड़ी थी, बाकी में से मैंने सूट बना लिया था और ये मेरे पास बचा था। मैं सोच रही थी इसका कुछ करूंगी कुछ करूंगी DIY, तो मुझे दिमाग में आया मेरे पास ये एक फ्रेम रखा था, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको लगा दिया। बड़ी सावधानी से, बहुत फिनिशिंग से मैंने इसको इसके ऊपर सेट किया, कुछ नहीं किया मैंने, बस इस तरह से चढ़ाने के बाद इसके ऊपर, तो मैंने इसको अच्छी तरह से सुई धागे से सील दिया। ये देखो आपको नजदीक से दिखाती हूँ कितना सुंदर इसके ऊपर कढ़ाई है। इसका कपड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत महंगी साड़ी थी और ये बीच बीच में से थोड़ी खराब हो गई थी। और ये मेरा कॉर्नर है, ये हम सब का कोलाज है पूरी फैमिली का। ये तो मैंने आपको कई बार दिखा दिया, सिर्फ दीवार के ऊपर यही लगाया मैंने। और ये मेरी टीवी यूनिट है, ये देखो गणेश जी है यहाँ पर भी, ये कैंडल जलाई है। और एक ये मैंने ये देखो वॉलपेपर, ये बहुत सुंदर है, कैमरे में थोड़ा लाइट दिख रहा है, थोड़ा पीच कलर सा है, ग्रे कलर है इसके अंदर, थोड़ी सी शाइनिंग है, गोल्डन है, तो काफी अच्छी लग रही है। मैंने इस दीवार पर पूरी पे लगवाया है, ये थोड़ी खराब हो गई थी। और ये मैंने रैक पेंट किया था खुद ही, ये बहुत गंदी हो रखी थी। और एक ये देखो ये सारस, ये बहुत गंदा था, इसको पेंट किया, ये बहुत सुंदर किया, यहाँ मेरे बच्चों की पिक्चर है। और एक ये लैंप मैंने बनाया, ये देखो इसके ऊपर पेंट किया, ये एंटीक लैंप है। और इस दीवार के ऊपर सिर्फ मैंने एक ये ड्रीम कैचर लगाया। और इधर देखो इसमें मैंने शोपीस रखे इस तरह से, और एक कॉर्नर मेरा ये है। और लाइट बंद करके दिखाती हूँ आपको इस तरह से, और मैंने साड़ी पहन रखी थी। अब मैं थोड़ा साड़ी में भी आपको वीडियो बनाई है पूजा के वक्त, अभी चेंज करने के बाद फिर मैंने बढ़िया सा ही कपड़ा सूट पहन लिया। ये सूट भी मेरा फेस्टिवल पर ही पहनने वाला है, बहुत अच्छा सूट है। इस तरह से मैंने आपको लुक दिखाया ये वाला, फिर ये, तो बस आपको बताना आपको मेरा पूरा घर कैसा लगा। मैं फिर से चेंज करूंगी ड्राइंग रूम को, तो वो दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। Thank you.